नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप हमारे YouTube चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट को रेड कलर के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको कुछ भी कमेंट्स करना है कुछ तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन भारत का पहला वायस राय था? इसके ऑप्शन है ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी पिट, एंड तीसरा है लॉर्ड कैनिंग, और डी रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। एंड सेकंड क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी अशोक, और डी बिंदुसार। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। एंड थर्ड क्वेश्चन है, सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी? इसके ऑप्शंस हैं बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, डी रुकनुद्दीन। तो फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन सही है, इल्तुतमिश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? ए वीडी सावरकर, बी भगत सिंह, और सी लाला हरदयाल, और डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, लाला हरदयाल। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? ए ऑप्शन है साबरमती आश्रम, बी अहमदाबाद, सी पोरबंदर, डी दांडी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, साबरमती आश्रम। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? ये ऑप्शन है लोथल, बी कालीबंगा, रोपड़, और डी मोहनजोदड़ो। ये इसका आंसर ए सही होगा, लोथल। लोथल कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, रोपड़ पंजाब में, और मोहनजोदड़ो ये आपका पाकिस्तान में पड़ेगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है? इसके ऑप्शन है मियाँ तानसेन, और बी अमीर खुसरो, सी बैजू बावरा, और डी रामानंद। तो इसका ऑप्शन बी अमीर खुसरो सही है। एंड भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, ए बैरन एवं नारकोंडम, बी कावारत्ती एवं न्यूमूर, सी ग्रेट अंडमान एवं लिटिल निकोबार, डी पम्बन एवं बैरन। इसका ऑप्शन ए बैरन एवं नारकोंडम सही है। नेक्स्ट हमारा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसके ऑप्शन हैं ओडिशा, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम। तो उसे इसको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इसमें पूछा गया नहीं गुजरती है, तो ये नहीं गुजरने वाला स्टेट की बात पूछ रहा है, तो इसमें उड़ीसा होगा, यानी त्रिपुरा, झारखंड और मिजोरम में से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह हमारा है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? ए ऑप्शन है तिब्बत का पठार, बी कोलंबिया का पठार, सी कोलोराडो का पठार, और डी बोलिविया का पठार। तो इसका आंसर होगा ए तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण का कारण है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, बी पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सी सही होगा, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ठीक से देख लीजिए, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन काफ़ी होता है, इसलिए आपको ठीक से देख लीजिए, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। नेक्स्ट है, सेबी का पूर्ण रूप है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है,
ऑप्शन सेविंग्स एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, बी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सी सर्वे ऑफ इसेंशियल बिजनेस इन इंडिया, डी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन डी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होगा। एंड 13 है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? ए वस्त्र उद्योग, बी इस्पात उद्योग, सी पर्यटन उद्योग, डी खेलकूद के सामान का उद्योग। इसका आंसर बी इस्पात उद्योग सही होगा। और 14 है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना और विकास मंत्री, बी वित्त मंत्री, और सी प्रधानमंत्री, और डी ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। दोस्तों नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ये 1 जनवरी 2015 में हुआ था। पहले नीति आयोग को योजना आयोग कहते थे, उसके बाद इसको परिवर्तन करके नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 का, 51 का, अनुच्छेद 52, और डी अनुच्छेद 53। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51 का। नेक्स्ट है, हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट में किस एकमात्र भारतीय को विश्व के सबसे 100 अमीर खिलाड़ियों में जगह मिली है? और इसका ऑप्शन है सानिया मिर्जा, बी विराट कोहली, पी सी पीवी सिंधु, और डी सायना नेहवाल। इसका ऑप्शन बी सही है, विराट कोहली। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी राज्यपाल, दल, और डी दल का अध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, इसका ऑप्शन सी राज्यपाल। 18 है, 18 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्य का एक संघ होगा? ऑप्शंस अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। क्या आंसर होगा इसका? अनुच्छेद 1। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? इसके ऑप्शन है 62 वर्ष, 65 वर्ष और 68 वर्ष, और डी 70 वर्ष, 65 वर्ष। नेक्स्ट है, हितोपदेश की रचना किसने की थी? विश्व शर्मा, बी नारायण पंडित, सी भवभूत, और डी पतंजलि। इसका आंसर होगा नारायण पंडित। नेक्स्ट है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? गुप्त, कुषाण, वर्धन और मौर्य। इसका आंसर होगा गुप्त। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? ये ऑप्शन है अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, और डी औरंगजेब। इसका आंसर जहांगीर होगा। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन ग्रुप सी और डी एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका उसमें आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार भी जीएस का पेपर बहुत ईजी आया हुआ था, जिसकी वजह से मेरिट काफ़ी ऊंची गई थी, या अप्रॉक्स जनरल की थी 85% और ओबीसी की थी 80%। तो मे भी दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? ए वाराणसी, बी मुंबई, सी चेन्नई, और डी कपूरथला। तो इसका ऑप्शन होगा मुंबई। और नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? ये हमारा ऑप्शन है मुंबई, और बी लाहौर, और सी कलकत्ता, और डी मद्रास। तो
इसका ऑप्शन होगा लाहौर, लाहौर में 1929, 1929 में इसका संकल्प अपनाया गया था पूर्ण स्वराज का। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि हम आपसे पूछ रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 25, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से वीडियो को देख लीजिए, एक बार नहीं दोबारा भी देख लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और आप लोग हमसे जुड़ते रहिए, आपको अच्छा स्टडी मटेरियल इस चैनल पर मिलेगा। दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिए, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच।